सो गाइस, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए हर वीडियो में एक से एक बढ़िया टेक गैजेट्स लेके आता हूं, तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा टेक गैजेट लेकर आया हूं जो आपके नॉर्मल से होम को एक स्मार्ट होम में कन्वर्ट कर देगा। जी हां गाइस, आपके नॉर्मल से होम को एक स्मार्ट होम में कन्वर्ट कर देगा। ये छोटी सी डिवाइस आपके नॉर्मल होम को स्मार्ट होम में कन्वर्ट कर सकती है। तो गाइस, आज की वीडियो पूरी देखिएगा और आज की वीडियो देख के आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, मजा आया। सो गाइस, तो ये सेफ स्टेप की तरफ से आने वाली होम ऑटोमेशन डिवाइस है जिससे आप अपने नॉर्मल से होम को एक स्मार्ट होम में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट में। और गाइस, इसमें कम बजट में बहुत ही सारे बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। और गाइस, तो मैं अब आपको इसके कुछ प्लस पॉइंट्स बताता हूँ। सो गाइस, जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप बेड पर लेटे हैं और उसके बाद आपको फ़ैन ऑन करना है, फिर आप एक दूसरे से कहते हैं कि तुम फ़ैन ऑन कर दो, तुम फ़ैन ऑन कर दो। तो उससे अच्छा है कि अगर आपके घर में ये डिवाइस लगी होगी तो फिर आप अपना मोबाइल उठाएंगे और उससे डायरेक्ट फ़ैन ऑन कर देंगे। और गाइस, आप जैसे ऑफिस से वापस आ रहे हैं और आप घर आपको बहुत गर्मी लग रही है, फिर आप जब घर पहुंचते हैं फिर आप एसी ऑन करते हैं, फिर उसके स्टार्ट होने में 10 मिनट्स लगते हैं, उसके कंप्रेसर को उठने में, उसके बाद घर को ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। तो उससे अच्छा है कि अगर आपके घर में ये डिवाइस लगी होगी तो आप जब ऑफिस से निकल रहे होंगे तभी आप एसी को ऑन कर देंगे, और जब आप घर पहुंचेंगे तो आपको घर एकदम ठंडा मिलेगा और आपको भी काफ़ी फ्रेश फील होगा। और गाइस, इसमें आपको एक टाइमर का फीचर भी मिल जाता है जिससे आप टाइमर सेट कर सकते हैं। जैसे आपने टाइमर सेट कर दिया कि शाम को 7 बजे लाइट ऑन हो जानी है, मतलब बाहर की लाइट्स ऑन हो जानी है, और सुबह 6 बजे लाइट्स ऑफ हो जानी है, तो फिर ये अपने आप शाम को 7 बजे लाइट्स ऑन कर देगी और सुबह 6 बजे लाइट्स ऑफ कर देगी। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जिनको अंधेरे से डर लगता है लेकिन तब भी उन्हें लाइट्स ऑफ करनी पड़ती हैं। सो गाइस, तो फिर चलिए अब हम अपनी सेफ स्टेप की तरफ से आने वाली होम ऑटोमेशन डिवाइस को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम इसे खोल लेते हैं बॉक्स को, और यहाँ पर हमें अपनी एक छोटी सी कॉम्पैक्ट डिवाइस मिल जाती है। चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं हमें काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी में मिल जाती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, और यहाँ पे भी सेफ स्टेप लिखा हुआ है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में हमें डिवाइस मिल जाती है। और गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको छोटे होल दिख रहे होंगे, इसके अंदर स्क्रू हैं, इनको ओपन करके आपको यहाँ पे अपने बोर्ड के वायर्स अटैच कर लेने हैं, स्विचेस के वायर अटैच कर लेने हैं इनमें। ये 6 स्विच की डिवाइस है, तो आप इसमें 6 नॉर्मल जैसे फैन और लाइट्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं आप इससे। और इसमें का एक और वेरिएंट आता है जिसमें आप अपने समर सेवल एसी ये सब कंट्रोल कर सकते हैं, इससे आप सिर्फ नॉर्मल जैसे फैन और लाइट्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने वायर्स अटैच कर देने हैं, यहाँ पे 6 स्लॉट्स दिए हुए हैं, इन सब में आप अटैच करने हैं आपको अपने वायर, और उसके बाद आपकी डिवाइस रेडी। तो गाइस, तो हम आपको दिखाते हैं कि अब आपको इसे किस तरीके से रजिस्टर करना है अपने मोबाइल में, तो फिर चलिए अब इसको मोबाइल से अटैच करते हैं। सो गाइस, तो अब आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर खोल लेना है। अब आपको यहाँ पर सर्च करना है सेफ स्टेप स्मार्ट होम, और उसके बाद आपको सेकंड नंबर पर मिल जाएगा इसका ऐप। अब आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है। अब गाइस, ओपन होने के बाद आपका ये नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल मांगेगा, तो ये आपको फिल कर देना है। तो ये सब कुछ फिल करने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, उसके बाद ये ओटीपी मांगेगा जो कि आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आएगा, उसके बाद आपको वो ओटीपी फिल कर देना है, और उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। और वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपसे ये सिलेक्ट करने को बोलेगा कि आपको ये किस रूम में लगानी है, बेडरूम में, लिविंग रूम में, या फिर किचन में, ये आपको प्री डिफाइंड मिल जाएंगे। और अगर इनसे अलग लगानी है तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद आपको डिवाइस सीरियल नंबर डालना है जो आपके डिवाइस के पीछे मिलेगा। सो गाइस, तो फिर हमने इस डिवाइस को अपने ऐप में ऐड कर लिया है और अभी ये ऑफलाइन आ रही है, मैंने इसका पावर कनेक्ट कर दिया है, अब हम इसे ऑन करेंगे तो ये ऑनलाइन आ जाएगी। तो मैंने इसे ऑन कर दिया, अभी ये जब वाईफाई वाली लाइट जलेगी तो यहाँ पे ऑनलाइन आ जाएगी डिवाइस। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन आ गई है, और वाईफाई वाली लाइट इसलिए पहले जल गई क्योंकि मैंने इसका वाईफाई का यूज़र नेम और पासवर्ड पहले फिल कर दिया था, और इसका फुल इंस्टॉलेशन वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे यूज़ करी जाती है। तो यहाँ पे इसका स्टेटस ऑनलाइन आ चुका है, तो अब हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे 6 स्विचेज आ चुके हैं क्योंकि 6 स्विच वाली डिवाइस है, जिसमें 6 स्विचेज आ चुके हैं। अब हम इसमें से जो भी स्विच ऑन करेंगे वो यहाँ पे ऑन जाएगा। जैसे हमने ये स्विच 1 ऑन करा तो यहाँ पे इंस्टेंटली ऑन हो गया स्विच 1। फिर हमने स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, स्विच 5, स्विच 6, तो ये इंस्टेंटली एकदम ऑन हो जाते हैं, और ये आपके वर्ल्ड के किसी भी कोने से इसी स्पीड से ऑन होंगे और इसी स्पीड से ऑफ होंगे। और यहाँ पर ही हम स्विचेस का नेम भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक आइकन मिल जाता है नेम सेट करने का, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कोई भी नेम सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फर्स्ट का नाम फ़ैन कर दिया, अगर हमें फ़ैन ऑन करना है। और यहाँ से आप किसी भी डिवाइस पे देखिए, जैसे यहाँ पे फ़ैन आ चुका है अब। और यहाँ पे आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं कि किस टाइम पे ये ऑन होना है। जैसे आपने सेट टाइम ये मतलब ऑन किस टाइम होना है इसको सेट करना है यहाँ पे, और किस टाइम ऑफ होनी है ये सेट करना है यहाँ पे। तो अभी तो हमें कोई काम नहीं है, तो
फिर ये आप सेट कर सकते हैं अगर आपको यूज़ हो इसका तो। तो ये डिवाइस हमने अपने रूम में सेटअप कर ली है, तो चलिए अब हम आपको इससे ऑन ऑफ करके दिखाते हैं लाइट्स। तो ये यहाँ पे हमने फ़ैन ऑन कर दिया और आप देख सकते हैं इंस्टेंटली ऑन हो गया है। सो गाइस अब यहाँ पे मैं ट्यूब लाइट ऑन ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं तुरंत ऑफ हो गई, और ये आप देख सकते हैं इंस्टेंटली ऑन ऑफ हो रही है, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे तुरंत ऑन ऑफ हो जा रही है ये लाइट। आप देख सकते हैं कितनी फास्ट स्पीड से ऑन ऑफ हो रही है, और गाइस ये फैन तुरंत ऑन हो गया। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।